गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने जब ऊर्जा संसाधनों की बात की, हमने कोयलों के वितरण उत्पादन जो वैश्विक वितरण देखना मिलता है उसकी बात की। आज के वीडियो के अंदर विश्व के अंदर जो पेट्रोलियम जो ऊर्जा संसाधन है उसके उत्पादन वितरण और उसका जो ट्रेड जो पैटर्न है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान के अंदर जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके अंदर किस तरह से रोजगार केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो टैक्स लगाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे जो क्रूड ऑयल होती है उसकी कीमतों के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों की जो पेट्रोलियम जो कीमतें हैं उससे वो निर्धारित होती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। अगर वितरण की हम बात करें तो वैश्विक दृष्टिकोण से जो मिडिल ईस्ट एशिया है या पश्चिम जो एशिया वाला जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से विश्व के अंदर विशिष्ट स्थिति रखता है। ये जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट एशिया के जो देश हैं जलवायु दृष्टिकोण से ये जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल जलवायु नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी जो पर कैपिटा इनकम है, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो इन देशों की वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्थिति रखते हैं। उसका कारण जो है वो एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर जो ऊर्जा संसाधनों में जो पेट्रोलियम जो सर्वाधिक उपयोग में वर्तमान में लिया जा रहा है उसका सर्वाधिक जो भंडार और उत्पादन इन्हीं देशों में किया जाता है। चाहे हम सऊदी अरब की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें, ईरान की कर लें, इराक की कर लें, ओमान की कर ले, तो ये सभी ही जो देश हैं ये पेट्रोलियम पदार्थों के दृष्टिकोण से वैश्विक उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली इनका जो निर्माण जो हुआ वो टर्शरी टाइम पीरियड के अंदर हुआ और वनस्पति जीव जंतु जो सामुद्रिक जीव जंतु जानवरों के अपघटन से हुआ, लंबे समय तक भूगर्भ के अंदर जम जाने से जो समुद्री तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान दाब के कारण ये पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसके अंदर इनका परिवर्तन हो गया। सर्वप्रथम जो कोयले को निकालने की बात करें, दोहन की बात करें तो रोमानिया के अंदर 1857 के अंदर प्लायस्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर किया गया, लेकिन एक कॉमर्शियल या एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से दोहन की बात करें तो 1859 के अंदर यूएसए के पेंसिल्वेनिया जो क्षेत्र है वहाँ पर व्यापक स्तर पर पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनका दोहन आरंभ हुआ। 1960 के अंदर हमने यहाँ एक ओपेक समूह की बात की, 1960 के अंदर जो कोयला पेट्रोलियम जो उत्पादित क्षेत्र और जिनके द्वारा वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम जो पदार्थों का निर्यात जो किया जाता है उनका एक समूह बना जिसको ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिसके जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर स्थित है और वर्तमान के अंदर इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 12 है। एशिया, अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो पूर्व के अंदर एकमात्र इंडोनेशिया इस ओपेक जो समूह है उसका मेंबर रहा, लेकिन बाद में वो इस समूह से अलग हो गया या उसको अलग कर दिया गया। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है जो ओपेक जो कंट्री है उसका मेंबर है। यहां हमने दो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हैं जिसके अंदर जो उत्पादन और उसके जो भंडार हैं उसके बारे में हमने बताया, एक तरह का कंपैरेटिव एक स्लाइड आपके सामने शो की है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आप जब इस तरह के वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव सवालों के उत्तर देते हैं तो उत्पादन और भंडार दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह के जो फैक्चुअल सवाल होते हैं आपका जो उत्तर होता है गलत हो जाता है, आप चाहे नेट की एग्जाम दें या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दें। वर्तमान की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट जो रिजर्व हैं पेट्रोलियम के
वो वेनेजुएला के अंदर हैं, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे कनाडा है, ईरान है, यानी जिन पदार्थों की संभावनाएं हैं लेकिन उनका अभी दोहन नहीं हुआ है, भंडार है, लेकिन जब प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करते हैं जहां उत्पादन किया जाता है, तो लंबे समय से जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें थोड़ा सा जो पर डे के हिसाब से जो बैरल उत्पादन किया जाता है, तो वर्तमान 2019 के जो आंकड़े हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पहले स्थान पे है। पूर्व के वर्षों के अंदर जो सऊदी अरब है वो अपनी प्रथम स्थिति रखता था, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सर्वाधिक जो है उत्पादन किया जाता है, देन सऊदी अरब, देन रशिया, देन कनाडा। अब यहाँ अगर विश्व उत्पादन वितरण की जैसे मैंने बात की, तो 45-40% जो है भंडारण और जो उत्पादन है वो दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर किया जाता है, और उसके अंदर ये हमने आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया जो यहाँ के हैं। आप ईरान की बात कर लीजिए, ओमान की, यूएई की, कतर की, बहरीन की, कुवैत की, सऊदी अरब की, इवन जॉर्डन, सीरिया और इराक, यहाँ पर जो है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी मात्रा में भंडार और उत्पादन किया जाता है। ये हमने स्लाइड इसलिए आपके साथ शेयर की है कि आपको दिमाग में इन कंट्रीज की जो स्थिति है, भौगोलिक जो स्थिति है वो भी रहनी चाहिए। और ये जो अपतटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर यहाँ उत्पादन जो है वो सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है, बसरते आंतरिक भागों की तुलना में। इस नक्शे में हमने वही जो दक्षिण पश्चिम जो एशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया है, वहाँ के जो उत्पादन जो क्षेत्र हैं जो विभिन्न देशों के, चाहे वो सऊदी अरब हो, इराक हो, ईरान हो, और ये जो पाइपलाइन, ये जो लाइन्स हमने आपको दिखाया, ये पाइपलाइंस है जो क्रूड ऑयल है उसका जो एक्सपोर्ट जो किया जाता है उनको दिखाने के लिए हमने आपको शो किया। अगर हम यहाँ ईरान की बात करें तो बाद में बात करेंगे कि जो उत्पादन जो क्षेत्र है वो लाली मस्जिद सुलेमान, मस्जिद सुलेमान के अंदर, ईरान के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, जो ऑयल है, उसका दोहन आरंभ हुआ था। उसके बाद अफ्तकेल, आगाजारी और कच सारन है। अगर हम इराक की बात करें तो इसके उत्तरी भाग के अंदर जो किरकुक क्षेत्र है, जो इराक का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक जो क्षेत्र है उसके रूप में जाना जाता है, यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से जो भूमध्य सागर के जो तट के अंदर जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें चाहे वो त्रिपोली हो, सिडोन हो, हैफा हो, और वहाँ से जो यूरोप और अमेरिका, वहाँ पर इन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सऊदी अरब की हम बात करें तो घावर है, रास तनूरा एक पोर्ट है जहाँ पर इसके ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी अरब की रास तनूरा के अंदर जो सबसे बड़ी रिफाइनरी के रूप से जानी जाती है सऊदी अरब की, और यहाँ से भी जो पेट्रोलियम है यहाँ सिडोन के लिए पाइपलाइन के थ्रू भूमध्य सागर की तरफ जो पोर्ट है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सऊदी अरब के जो उत्पादक जो क्षेत्र है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है उसमें दम्मान, अबकी, दहाडार, घाबर, अबकाई, कातिक और आयनेदार है। जैसे हमने बताया घाबर, कातिक और हमने रास तनूरा की बात की, तो यहाँ सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है जो गल्फ ऑफ फारस जो है, पर्शियन की जो खाड़ी है वहाँ पर ये रास तनूरा सऊदी अरब का महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखाना है। यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हमने बताया कि सिडोन जो भूमध्य सागर है वहाँ पर भेज दिया जाता है, ये सिडोन है। अन्य जो तेल जो उत्पादन है, मैंने ईरान की बात की तो ईरान के अंदर 1908 के अंदर सबसे पहली बार मस्जिद सुलेमान के अंदर पेट्रोलियम जो ऑयल है उसका दोहन किया गया। इसके अलावा अन्य जो उत्पादन जो क्षेत्र है वो टाली, आगाजरी, अफ्तेकेल, केरमशा, गच सारन, नफ्त, साफिद है। ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऑब्जेक्टिव सवालों में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ईरान का जो आबादान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो भारत के अंदर जो जामनगर गुजरात के अंदर जो रिफाइनरी है, जो रिलायंस की है,
वो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी के रूप में जानी जाती है। इराक की बात करें तो किरकुक, नफ्तखाना, बुटमा, रुमाइला महत्वपूर्ण ऑयल प्रोड्यूसिंग जो सेंटर्स हैं। यूएई की बात करें तो अबू धाबी और दुबई के अंदर। कुवैत की बात करें तो बरगान, रूदतन के अंदर। और रोमानिया की हम बात करें तो रोमानिया के अंदर दनबोरिजा, परहोवा, वुहान, बकान महत्वपूर्ण जो कोयला उत्पादन जो सेंटर है उसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ जो रूस की जब बात करते हैं, पूर्व के अंदर जो विघटन नहीं हुआ था, इससे जुड़े हुए एक जो संगठन बना था जिसके अंदर जो देश आज यूरोप के हैं, तो पश्चिम यूरोप और रूस से विलग जो क्षेत्रों का समूह है जिसको CIS के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर वोल्गा और जो यूराल है रूस के अंदर है, जिसके अंदर क्यूबिसेव, पर वोल्ग्राद, अस्त्राखान, ओरेनबर्ग महत्वपूर्ण पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो सेंटर्स है। क्रीमिया, कोकेसस की बात करें तो वहाँ पर बाकू, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकू महत्वपूर्ण पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग सेंटर है। कैस्पियन सागर के पूर्वी भाग में चेकलेन, कुदांग, नेफ्टिदाग, सखालीन जो द्वीप है जिसकी जो स्थिति है बिल्कुल रूस के पूर्वोत्तर भाग में है, पश्चिमी साइबेरिया, ओब बेसिन है उत्तर की तरफ जो नदियाँ जाती हैं, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, ओब, एनसी, लीना, जो ओब बेसिन है वहाँ पर जो पेट्रोलियम है वहाँ भंडार है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस, कंजप्शन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उतनी नहीं है, इसलिए इतना दोहन यहाँ पर जो पेट्रोलियम जो रिसोर्सेज हैं उनका नहीं हो पाया है। USA की बात करें, अमेरिका की हम बात करें तो सर्वाधिक जो कुएं हैं जिस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, तो जो मैक्सिको की जो खाड़ी का जो तटवर्ती जो क्षेत्र के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा के अंदर कुएं हैं। अगर देखा जाए तो टेक्सास के अंदर, लुसियाना, कैलिफोर्निया जो स्टेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में कुएं हैं तेल के। अपलेशियन जो क्षेत्र है उसमें पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ओहियो, वर्जीनिया, केंटुकी स्टेट्स के अंदर। मिडिल पार्ट की बात करें तो ओक्लाहोमा, टेक्सास के अंदर। USA का 33% जो ऑयल है उसका उत्पादन किया जाता है। लुसियाना, टेक्सास की बात हमने की, कैलिफोर्निया क्षेत्र के अंदर सैन जोक्विन वैली, लॉस एंजलिस के अंदर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका दोहन किया जाता है। वेनेजुएला की हमने बात की कि एकमात्र दक्षिण अमेरिका का देश है जो ओपेक का मेंबर है, और यहाँ मैराकाइबो जो लेक है बिल्कुल नदन इसकी स्थिति है, वहाँ पर पेट्रोलियम जो है उनका उत्पादन किया जाता है। और हमने बात की कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व हैं उनकी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन वेनेजुएला क्योंकि एक विकासशील देशों के अंदर आता है, वहाँ पर तकनीकी स्तर इतना उच्च नहीं है। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो रिलेशंस हैं, वहाँ जो खपत है उसका, जो एक्सपोर्ट करने की जो स्थितियाँ हैं वो इतनी अनुकूल नहीं है, नहीं तो यहाँ जो वैश्विक जो दो है ना वो तेज़ी से बढ़ सकता था। ओरिनिको जो बेसिन है वहाँ पर वेनेजुएला के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के अंदर अधिकतम जो है उसका जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, ये अभी भी भारत की जैसे ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो ऑयल है उसके अंदर वो आयात के ऊपर ही निर्भर है। जिस तरह से भारत अपना 70% जो ऑयल, पेट्रोलियम जो ऑयल्स की जो नीड्स की फुलफिल करता है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से, हम लगभग 28-29% जो है खुद के स्तर पर पैदा कर पा रहे हैं। स्थिति चीन की भी वैसी है, लेकिन फिर भी उत्पादन क्षेत्रों की हम बात करें चीन के, तो जुंगेरियन बेसिन जिसको कारामाई क्षेत्र भी कहते हैं, सैदाम बेसिन जिसको मानाराई, चेचवान बेसिन जैसे हमने बताया था कि चीन के दक्षिण दक्षिण पश्चिम के अंदर है, शेंसी और फुशुन जो एरिया है वहाँ पर, मैंने फुशुन की जब बात की थी तो यहाँ पर यहाँ जो कोयले की जो खाने हैं वो भी यहाँ मिलती हैं फुशुन के अंदर। ये इस मैप के अंदर आप लोगों को हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो कोयल पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वहाँ से जो एक एक्सपोर्ट का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है। रूस है उसके द्वारा जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है अधिकांश जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है। मिडिल ईस्ट एशिया से, जहाँ हमने चाहे सऊदी अरब की बात करें, ईरान, इराक की बात करें, यहाँ से दुनिया के अंदर सर्वाधिक जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसका निर्यात, चाहिए दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे भारत की बात करें,
जापान की बात करें, इधर अमेरिका की हम बात करें, और जो ये नाइजीरिया जो है तेज़ी से पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के रूप में उभरा है, वहाँ के द्वारा अमेरिका में, वेनेजुएला के द्वारा जो है अमेरिका और यूरोप दोनों के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको कनाडा से यूएसए के अंदर, क्योंकि यूएसए एक सबसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है, इस कारण से ये दुनिया के सभी जगह से पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आयात करते हैं। खुद के जो रिसोर्सेज हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज में से एक भी हैं, वेनेजुएला के बाद की स्थिति हम देखें, लेकिन ये अपने स्वयं के संसाधनों का जो है उतना दोहन नहीं करता है। इसके द्वारा बहुत कम जो है निर्यात की स्थिति हमें देखने को मिलती है। कुछ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, चाहे ब्राज़ील की हम बात करें, तो ये जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो विभिन्न देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसके आधार पर ये ओपेक कंट्रीज़ का जो समूह है वहाँ पर भी ये जो दोहन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो निर्धारित होती हैं। इस स्लाइड के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसकी, और सबसे ज़्यादा जो आयात कर रहा है, इम्पोर्ट जो कर रहा है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स की, उसका हमने एक कंपेरेटिव आपके सामने रखा है। यहाँ एक्सपोर्ट जो करने वाले जो कंट्रीज हैं, दोहन अलग चीज़ है और निर्यात करना एक अलग चीज़ है। तो सऊदी अरब जो है सर्वाधिक निर्यात करता है, देन रशिया करता है, देन इराक और कैनेडा। आयात की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आयात है वो चाइना के द्वारा विश्व के अंदर 22.6% जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूसर जो है उनका प्रोडक्ट्स हैं उनका आयात किया जाता है। देन दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स, जो स्वयं के पास बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे ये जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्पोर्ट करता है। देन इंडिया, देन जापान। यहाँ जब हमने बात की कि जो ये निर्यात और आयात की जो स्थितियाँ हैं ये विभिन्न देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। पिछले दिनों अप्रैल के अंदर 2020 के अंदर ओपेक कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, जिसमें G20 के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल रूप से इस मीटिंग के अंदर भाग भी लिया। उससे पूर्व के अंदर ओपेक जो कंट्रीज़ थे, हम बात करें जनवरी 2020 के आसपास की, तो जो सऊदी अरब जो देश था उसने एक ये मांग रखी थी कि भई हम जो तेज़ी से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें कम हो रही थी, जो कीमतें कम हो रही थी वो 2018-19 के बाद ही पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो उत्पाद थे उनकी कीमतें जो हैं काफ़ी नीचे आ गई थी, $40 प्रति बैरल के हिसाब से। तो इन देशों ने, जो ओपेक कंट्रीज़ का जो समूह है, इन्होंने इस बात पर इनमें चर्चा हुई कि क्यों ना हम हमारा जो प्रोडक्शन है उसको घटा दें। प्रोडक्शन जब घटा देते हैं तो उस चीज़ की जो है मार्केट के अंदर कमी हो जाती है, तो कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। लेकिन रूस के द्वारा इस विषय का, क्योंकि रूस खुद एक ओपेक का मेंबर है, तो इसका विरोध किया। लेकिन उसके बाद जो कोरोना की जो स्थितियाँ हैं, जो जनवरी के बाद फिर मार्च के अंदर एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की स्थितियाँ हो गई, और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसका जो कंजप्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25% कंजप्शन कम हो गया। ये स्थिति जो वैश्विक स्तर पर देखने को आई, ये जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो 1993 के अंदर जो युद्ध की स्थितियाँ, अस्थिरता की स्थितियाँ हुई, तब इस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई थी, और उसके बाद 2020 के अंदर इस तरह की स्थितियाँ आई और लॉकडाउन ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो खपत है वो इतनी कम हो गई कि जो उत्पादन जो प्रक्रियाएं थी उनको भी सीमित करना पड़ा। स्टोरेज जितना लोग कर सकते थे, इवन अखबारों में हमने भी पढ़ा कि भारत का जो स्टोरेज कैपेसिटी से अधिक हम लोगों ने उसको पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसको हमने रिजर्व कर लिया। तो जब लॉकडाउन के कारण जो अर्थव्यवस्थाएँ स्थिर हो गई, औद्योगिक गतिविधियाँ बंद हो गई, एक दूसरे देशों का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद हो गया, उसके कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है कंजप्शन काफ़ी गिरावट आई। वर्तमान के अंदर भी हम देखें तो जिस स्थिति की स्थिति 2008-09 के अंदर $140 प्रति बैरल की जो कीमतें थी, अभी तक भी उन कीमतों को वो अचीव नहीं कर पा रहा है। अभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर
तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत की बात करें तो अभी भी 68, 69 या 70 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर स्थिर है। लेकिन जो कीमतें हैं उसको निर्धारित करने में कोरोना के कारण जो सरकार की जो आय है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसको मान लीजिए सरकारें अपनी आय को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, वो टैक्सेस लगाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके कारण जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कीमतें हैं वो देश वाइज जो है डिफर करती है, अंतर करती है। नहीं तो हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो हमसे वहाँ की जो कीमतें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी कम है। लेकिन ये हर देश की अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के वेलफेयर जो कार्यक्रम है उनका संचालन किया जाता है। इसलिए आय के स्रोतों को मेंटेन करने के लिए सरकार समय समय पर जो भी सरकारें होती हैं उनको द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। धन्यवाद।